हम हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं उनका आज तक फेलिसिटेशन करते आ रहे हैं, और जियालाल वसंत उत्तम वाद्यकार अवार्ड से उनका सम्मान किया जाता है, जिसमें 1,00,000 रुपए की राशि है और 1.25 किलो की चांदी की ईंट है, जिसके ऊपर शारंग देव जी, जो हमारे संगीत शास्त्र में एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी साइटेशंस लिखी होती है। और आज तक बहुत बड़े बड़े डॉयंस जो हमारे क्लासिकल के यहाँ के और कर्नाटक म्यूज़िक के भी बड़े बड़े कलाकारों का सम्मान किया है हमारे आजीवासन ने। इस साल हम लोग पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, और इस ये साल चूंकि 100th ईयर है हमारे गुरु जी का, 100वां साल है, तो सेंटिनरी ईयर करके हम लोग पूरे साल में ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, जिसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके प्रोग्राम्स हम लोग रख रहे हैं, और इसका उद्घाटन हमारे सबके लाडले महानायक श्री अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं, जिसकी हमको बहुत खुशी है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमको, और सब मिला के बहुत खुशी का आज का दिन है हमारे लिए। 100वां साल भी है, वसंत उत्सव भी है, और राशिद भाई गा रहे हैं, और महाराज जी भी, उनका भी परफॉर्मेंस है साथ में, महाराज जी के साथ में मेरे लाडले भाई जाकिर हुसैन साहब बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप सबका भी आशीर्वाद मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। बिल्कुल मिलेगा, पूरे साल भर में जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं उसमें, अच्छा आपका क्वेश्चन है कि इसमें उसमें मतलब गुरु शिष्य परंपरा का भी हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा हुआ है, जिसमें ऐसी जो जोड़ियां हैं, जैसे अजय चक्रवर्ती जी है, कौशिकी है, वो गाएंगे, और हेमा जी और उनकी बेटियां दोनों, उनका परफॉर्मेंस रहेगा, और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, उनकी कविता और उनकी बेटी बेटा, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट है। तो यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट भी हम लोग उसमें सबके सामने पेश कर रहे हैं। यंग टैलेंट तो बहुत सुनने आते हैं आजकल, क्लासिकल का काफ़ी क्या कहते हैं ना कि उस क्लासिकल को पसंद करने वाली जनरेशन हमारी यंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और बड़ा शौक से सुनते हैं, और सीखने का भी जज्बा बहुत ज़्यादा प्रखर हो गया है, क्योंकि आप इंडियन आइडल सारेगामा में देखते होंगे, लिटिल चैंप्स से लेके बड़े बच्चों तक बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल में भी, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक काफ़ी सारे उभरते हुए कलाकार हम आजकल YouTube पे देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यंग जनरेशन भी इस चीज़ को उठाएगी और ये धरोहर जो है वो उसको जिंदा रखेगी। हाँ जी, थैंक यू। महाराज जी के बारे में क्या बता सकता हूँ, सारी दुनिया जानती हूँ। इस वक्त वो सबसे हम डांसर्स में से वो हैं, और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फट से मान लिया, और आज आ रहे हैं, उनका सम्मान होगा, फिर साथ में वो अपना अपनी कला भी लोगों के सामने
पेश करेंगे और जाकिर भाई उनके साथ बजाएंगे, उनकी संगत करेंगे। बच्चन साहब का तो सम्मान तो करेंगे, अभी वो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के और मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा उनका मेरा और उनका एक बहुत प्यारा रिलेशन है। और उनको भी जब मैंने कहा तो बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और वो आज आ रहे हैं और ये 100वें साल का जो उद्घाटन है वो उन्हीं के हाथ से होगा। नहीं आज तो मैं तो नहीं गा रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, पहले राशिद भाई गाएंगे, सबसे पहले तो उद्घाटन होगा, फिर सत्कार होगा महाराज जी का, फिर राशिद भाई गाएंगे और फिर महाराज जी और जाकिर भाई का परफॉर्मेंस होगा। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर घन घोर घन घोर, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहुओर घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए। जरूर बुलाएंगे, ये मेरी मैडम है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस बार 17वां हमारा वसंत उत्सव है तो इसके लिए बहुत हम टेंस भी हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपने हमको शुरुआत में ही पकड़ लिया, बाकी तो सब कुछ इन्होंने कह दिया। मेरी बड़ी बहन प्रेम वसंत जी की और पद्मा की और मेरे COO है नितिन रघुवंशी, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है इसको आज यहाँ आयोजित करने के लिए, तो आप सब दुआ करिए कि अच्छे से हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी, ओके जी, ओके ठीक। मैं अभी रहूं पहले, आप दोनों साथ में यहाँ रहिए, आप आगे आइए सर, नीचे आ जाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, थैंक यू। शुक्रिया जी जी, ये शताब्दी वर्ष है और गुरु शिष्य परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। शायरी में भी जैसे उस्ताद इस्लाह करते हैं, वैसे संगीत में ये सिखाने की परंपरा बहुत पुरानी है। और सुरेश जी जो अपने आचार्य जयलाल वसंत जी के लिए उनके नाम से इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, 100वां साल सेंटेनरी, तो ये अतिरिक्त खुशी का दिन है, अतिरिक्त खुशी का विषय। और पंडित बिरजू महाराज को आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है उत्तम वाक्यकार का, तो बड़े खुशी के क्षण। नमस्कार सुमित जी, ये सौभाग्य है मेरा कि मैं इस अद्भुत अवसर पे ये संचालन का कार्यभार मुझे सौंपा गया, मुझे नाचीज के कंधों पे ये जिम्मेदारी है। देखिए विनोद का माहौल नहीं है ये,
लेकिन हास्य तो जीवन का अंग है ना, संगीत भी आपको मुस्कुराहट तो देता ही है, तो मुस्कुराहट आपको बांटनी चाहिए। लेकिन आज के कार्यक्रम का मायार कुछ अलग है। आज हम संगीत की बात करेंगे, सुर की बात करेंगे, ताल की बात करेंगे, तान की बात करेंगे। जैसे एक बड़ा खूबसूरत दोहा है कवि का कि इस रसवंती रात में सुनकर ये आवाज मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज जी ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता है, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, गधों की ही कीमत है, इधर भी गधा खड़ा है उधर भी गधा खड़ा है, जो माइक पे बोले वो सबसे बड़ा है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे संगीत उत्सव को, इस सौ साल को। मतलब उनके गुरु जी जो थे सुरेश भाई के, उनके गुरु जी के नाम से अवार्ड मिल रहा है। ऐसे तो बहुत अवार्ड मिले हैं मुझे, लेकिन ये ख़ास संगीत से भरा हुआ अवार्ड है और मैं बहुत सम्मान के साथ उस अवार्ड को ग्रहण करूँगा, तो इस बात की बड़ी खुशी है। और बम्बई से बहुत प्यार है मुझे, तो ऐसे महाराष्ट्र से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बहुत बचपने से मैं इस भूमि पर नाचा हूँ और यहाँ के प्रशंसक मुझे बड़े प्यारे हैं और मुझे बहुत उन लोगों का प्यार मिला है। जी जी नहीं, उन्होंने परंपरा को बढ़ाया और उनका स्कूल भी हम गए, खुद गए, देखा भी हमने और वहाँ का उनका काम भी देखा और बहुत खुशी हुई कि संगीत जो परंपराएं हमारी हैं पुरानी उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति को उन्होंने कायम रखा है और मुझे बड़ी खुशी होती है और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। देखिए शास्त्रीय संगीत तो हम लोग के बिल्कुल परंपरा में गुथा हुआ है और परंपरा में गुथा होने की वजह से हम लोग सब उसी का गुणगान करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं कि वो परंपरा में हमने जन्म लिया, हमारे साथ पुश्तें बीत गईं, मेरे पिताजी अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, मेरे बाबा महाराज बिंदादीन कालका महाराज, ये सब लोग उस परंपरा के जुड़े हुए हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा जन्म उसमें हुआ, उसी घर में, और मैं उनका पोता कहलाता हूँ, महाराज अच्छन महाराज का बेटा हूँ और मैं उनका शागिर्द हूँ, लिहाजा मैं उनका ध्यान करते हुए बहुत बड़े प्यार से मैं और बहुत श्रद्धा के साथ ये सम्मान को मैं ग्रहण करूँगा, ये कहते बहुत खुशी हुई। बहुत आनंद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब लोगों का, यहाँ के सभी लोगों का, उनके सहयोगियों का, सुरेश भाई के सब सहयोगों को भी बहुत हम शुभकामना करते हैं और ईश्वर करे ऐसे ही परंपरा को बढ़ाते जाएं और हम बार बार आएं और हम बार बार। बस जब परंपरा के जिक्र होता है और क्लासिकल नृत्य और संगीत का जिक्र होता है तो मैं तो बेहद खुश हो जाता हूँ और एकदम मेरे मन में एकदम मतलब हर्ष के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि परंपरा ही हमारी सब कुछ बिल्कुल ये रहा है स्थिर से और मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ मैं जुड़ा हूँ हर दिन। फिल्मों में भी आपने नृत्य सिखाया है, सबसे प्यारा प्रेम वाला शिष्य कौन रहा है आपका? अब ऐसे तो देखिए पूरे दुनिया में हमारे शिष्य बहुत हैं और सबका मुझे बहुत स्नेह मिलता है और खास करके बंगाल और महाराष्ट्र, मैं बंगाल को माँ कहता हूँ, महाराष्ट्र को पिता कहता हूँ, तो वो मेरे दिल में बसा हुआ है, दोनों जगह की बहुत इज्जत करता हूँ। आपके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाने की बात हो रही थी, फिल्म है, आपको लगता है कि इसकी अनुमति है आपकी तरफ से कि आपके जीवन पर एक फिल्म बने? अच्छा, एक बार चंद्रा साहब ने बनाई थी, वो रिलीज नहीं हुई थी पर बहुत मेहनत की हमने उसमें, पर आशा करते हैं कि जो अच्छी तरह से समझदारी के साथ करेंगे हमारे, बल्कि मैं संजय जी को ही बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक नंबर तो ऐसा दिया है कि जो क्लासिकल डांस
को लिया, उन्होंने देवदास में भी किया, बाजीराव मस्तानी में किया, तो मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम एक नृत्य हिस्सा क्लासिकल का हो तो कितना अच्छा होगा, भारतीय संस्कृति को जाहिर करता है। कौन अभिनेता उपयुक्त होगा अगर आपके जीवन में फिल्म बनती है जो आपका आपके किरदार का अभिनय करता है? ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनको ये क्लासिकल डांस से जानकारी भी होनी चाहिए और थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर भी एक कोई नाम जो याद आता हो? थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आज नए वाले में से बहुत लोगों का मुझे ज्ञान नहीं है। अब पुराने में होते गोविंदा जी थे, उनके मदर जो थी ठुमरी गाती थी, मैं उनको दीदी कहता था और मैं भी ठुमरी गाता हूँ रेडियो के, हम लोग कलाकार हैं सब। और पर अभी समझ नहीं आता क्योंकि अभी तो बॉलीवुड का सारा हिसाब ऐसा बदल गया है कि कहना मुश्किल होता है थोड़ी सी। नृत्य से असल में विदेशी इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नृत्य से कितना खुश हो सकता हूँ। बस शांताराम जी वगैरह ने बड़ा कोशिश किया था, बड़ी कोशिश की थी, जनक जनक पहल उन्होंने बनाया, नौरंग वगैरह बनाया। तो अब देखिए कोई ऐसे निकल जाए डायरेक्टर जो आपको कहें, अब मैं तो बहुत खुश होऊंगा जब शुरू हो जाएगी। अमिताभ बच्चन आज आपके साथ स्टेज पर होंगे, कुछ उनके लिए कोई कुछ शब्द अगर और उनके साथ कोई आपकी यादें अगर आप कुछ कहना चाहें? बस बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अभिनय के जानकार हैं और बहुत मेरी बड़ी इच्छा है कि अमिताभ जी को एक बार मैंने कहा था कि उनके पिताजी की कविताओं पर मैं कुछ करूँ, पर वो संजोग से टाइम नहीं मिला। अब जब भी मिलेगा मैं उनके साथ काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आज का जो कार्यक्रम जो है एक ये सुरेश भाई की वजह से आदिवासन में मैं पहले भी गाया हूँ लेकिन आज एक स्पेशल तरह का ये प्रोग्राम मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे दिग्गजों के सामने मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं सुरेश भाई आदिवासन एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए वो इतने बड़े कलाकार महान हमारे देश के, तो वो इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जी मैं भी कर रहा हूँ। देखिए मैं क्लासिकल गाऊँगा, लाइट ठुमरी दादरी भी गाऊंगा, तो मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। गाना पड़ेगा याद पिया के आए, यही गाऊंगा मैं। शुक्रिया। मास्टर जियालाल वसंत जी की सेंटेनरी सेलिब्रेशन, उनका 100 साल का उनका सेलिब्रेशन। मास्टर जी का भारतीय संगीत के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने
एक परंपरा जो कि संगीत की शिक्षा है उसे अपनाया, बहुत होनहार शागिर्द तैयार किए जिसमें डॉक्टर सुरेश वाडकर पहली पंक्ति में हैं, और डॉक्टर सुरेश वाडकर ने वही परंपरा आज जारी रखी है। बहुत सारे नौजवान बच्चों को और नौजवानों को सुरेश जी और उनकी इंस्टीट्यूट जियालाल वसंत म्यूज़िक इंस्टीट्यूट बच्चों को संगीत सिखाती है। इस बात की खुशी है कि भारतीय बच्चे हमारी संस्कृति से दूर नहीं बल्कि करीब आ रहे हैं और हमारे भारतीय संगीत में दिलचस्पी ले रहे हैं, भारतीय संगीत में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मास्टर जियालाल वसंत जी को आज मैं नमन करता हूँ कि उनकी 100वीं सालगिरह पे हम उनको याद कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भारतीय संगीत सीख के और सुन के बड़े होंगे। थैंक यू। क्या आशीर्वाद दूं, मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं। इतने बड़े महारथी हैं शास्त्रीय संगीत के, सब यहां पर उपस्थित हैं। सुरेश वाडकर जी ने हमें आमंत्रित किया तो मैं आ गया हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं आज के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। जिनका नाम अभिनय का पर्याय है, हमारे शिष्य पुरुष हैं इस कलश के जो शिल्पल हैं, वैसे श्री अमिताभ बच्चन जो मुख्य आतिथ्य कर रहे हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ इस खूबसूरत शाम में अधिवासन की ओर से। बसंत ऋतु आ गई है, वसंतोत्सव है, शताब्दी वर्ष 100 वर्ष हमारे लिए ऐसी घड़ी जो सिर्फ हर्ष का नहीं उल्लास का भी विषय है। संगीत हमारे देश की परंपराओं की सबसे बड़ी खाती है। गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है और उस गुरु शिष्य परंपरा को सुरेश वाडकर जी इस तरह निभा रहे हैं। उनके गुरु आचार्य श्री जियालाल वसंत 100 वर्ष 17वां पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को। यकीन मानिए मैं बहुत छोटी सी बात करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछिए जो अनुत्तीर्ण हो गया हो, एक महीने की कीमत उस माँ से पूछिए जिसने अपरिपक्व बच्चे को जन्म दिया हो, एक हफ्ते की कीमत उससे पूछिए जिसे साप्ताहिक अखबार निकालना, एक दिन की कीमत उसे पूछिए जिसे कल फांसी लगने वाली हो, एक घंटे की कीमत उस प्रेमी से पूछिए जो प्रेमिका के पास बैठा हो, और एक सेकेंड की कीमत उसे पूछिए जिसकी ट्रेन निकल गई हो, और एक गुरु की कीमत उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं वाडकर साहब कि आपके पास आचार्य जियालाल वसंत जैसे गुरु और आपके शिष्य भाग्यशाली हैं उनके पास सुरेश वाडकर जी जैसे गुरु। आइए हम इस शाम के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए करतल ध्वनि करें ताकि शाम की शुरुआत हम कर सकें। एक बार जोरदार तालियां इस शाम के लिए, इस खूबसूरत अनुपम अवसर के लिए। 17 वर्ष पूर्व इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। लताजी, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज कौन कौन है, और आज स्वयं बिरजू महाराज
इस पुरस्कार को अनुग्रहित करेंगे, सिर्फ ग्रहित नहीं करेंगे, इस पुरस्कार को अनुग्रहित करेंगे। और इस पुरस्कार में सिर्फ 1 लाख रुपया ही नहीं, बड़ा होती है इस लाख, संगीत का तो कोई गुरु मिल जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं मिलता। आदिवासियों ने अपनी शाखाएं बॉम्बे से फैलाए, हर पल में 7 श्लोक की परिभाषा का इतलाता गीत है, जीवन कुछ और नहीं सिर्फ संगीत है। परमेश्वर यहाँ उपस्थित हैं, आइए, मैं चाहता हूँ कि इस माइक तक आए और सभी का स्वागत करें। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब महानायक श्री अमिताभ जी बच्चन, परम पूजनीय महाराज जी, मेरे प्रिय भूतनाथ जाकिर हुसैन जी, राशिद भैया और अनूप और आप सब, मैं आजीवासन की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही मेरे जाकिर भाई तो मेरे अपने बड़े भाई हैं, बचपन से हम लोग दोस्त हैं और राशिद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये आज पहला प्रोग्राम की शुरुआत उनके गायन से होगी। और अनूप भी मेरा स्ट्रगल टाइम से दोस्त है, घंटों हम लोग बातें किया करते थे कि क्या होगा भविष्य हमारा, थोड़ा ठीक ठाक ही हो गया। पंडित जी के बारे में क्या कहना, जाकिर साहब के बारे में क्या कहना, कुछ नहीं कह रहा। यकीन मानिए राशिद साहब, जब सचमुच राशिद साहब जब आप गाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत दोहा मुझे याद आ गया, मुझसे ज्यादा इस देश से ज्यादा सारी दुनिया मुझे जानती है, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे वो नृत्य में नहीं खा सकते। लेकिन उनकी ऐसी चीज जो शायद आपको पता नहीं होगी, उन्हें टॉर्च कलेक्शन करने का बड़ा शौक है। ये पुरस्कार राशि और पुरस्कार प्रदान किया जाने वाला है, ये चांदी की भेंट पर उपस्थित सभी मान्यवर एवं समस्त श्रोता को सादर प्रणाम। आपके सम्मुख खड़े होकर बोलने की दृष्टता करने के लिए नतमस्तक आपसे क्षमा चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि संगीत की विधा भी सिर्फ वो आपको सामग्री का अलभ्य लाभ हमें आज प्राप्त हुआ है। संगीत के 6 पक्षों के प्रति से साम्य रखते इसके भी 6 पक्ष हैं। इस यंत्र में हर दिशा में अटल खड़े होने की विलक्षण क्षमता है, जो किसी भी ग्रह के निर्माण के लिए अनिवार्य है। गुरुवर्य 6 महासारगर्भित सुरक्षित संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यंत्र संगीत के प्रति आपकी भक्ति व आध्यात्मिक उत्साह का प्रतीक है, जो आज के भौतिकवादी संसार में दुर्लभ है। आपकी संगीत यात्रा ने हमारे हृदयों में आदर के सतत प्रवाह का निर्माण किया है। गुरुवर्य हर गुरु अपने मन में अपने आदर्शों पर चलने वाले एक गुरुकुल के निर्माण के स्वप्न संजोता है, जहां वो अपने जैसे साधकों तक अपनी विद्या पहुंचा सके। हम ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वप्नों को साकार करने वाले आपके आदर्श गुरुकुल में ये यंत्र कहीं ईद बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री बच्चन साहब से के पधारें और हमारे आज के उत्तम भागीदार पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को शॉल, श्रीफल, पुरस्कार राशि और ये चांदी की
लिए खान साहब आ गए और वापस आके देखा तो सामान था, खान साहब नहीं थे। अब ढूंढने लगे इधर उधर कमरे में, सब जगह कहां गए, सब लोग परेशान हो गए। अचानक बगीचे में से धीरे धीरे संगीत की आवाज आने लगी और वहां पहुंचे तो देखा खान साहब लेटे थे, आंखें बंद करके सारंगी बजा रहे थे। 15 मिनट बाद आंखें खोली और उन्होंने कहा कि बसंत आ गया है, सोचा फूलों के लिए बजा। कलाकार प्रकृति के लिए गाता है, कलाकार प्रकृति को सुनाता है, कलाकार स्वयं के लिए नहीं आप सभी के लिए समर्पित होता है। पंडित ब्रज महाराज ने अपना पूरा जीवन, अपनी शैली, अपना नृत्य, अपना हाव, अपना भाव, अपनी श्वास, अपना सब कुछ इस देश को, नृत्य कला को समर्पित कर दिया। आज उन्हें सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित हैं, अजवासन परिवार गौरवान्वित है। मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि इस माइक तक आए और दो शब्द कहें। आया वहीं से पंडित जी। नमस्कार। रंगमंच पे सभी लोग विराजमान, अमिताभ जी और तथा उसके बाद सभी तो हमारे प्रिय हैं, किनका नाम लूं? इधर देखता हूँ सब मेरे प्रिय निकलते हैं, मेरे प्यारे निकलते हैं, तो नाम लेने से ज़्यादा मैं प्यार बांटता हूँ बस इतना कहना। बेहद आज खुशी हो रही कि गुरु जी के नाम से ये सम्मान मिला है, जो संगीत से भरा, गायन से भरा, नृत्य से भरा, इस बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन इस अवार्ड का महत्व कुछ खास अलग से है, सम्मान करता हूँ। और आज सच में इतना मन खुश हो रहा कि संगीत परंपरा, नृत्य इत्यादि इत्यादि जो भारत की धरोहर है, जो हमारे 7 जनरेशन से निकल गए, मैं 7th हूँ, मेरा बेटा 8th है और मेरा ग्रैंड डॉटर 9th हो गई है, और ईश्वर की कृपा से सभी थे के उसमें फंसे हुए हैं। ये कहते हुए डॉक्टर भैया भी अपना नाम कहाँ तो बोलो भैया, अनु भैया नाम भैया डॉक्टर, ये सब मैंने कह दिया ना मेरे प्यारे लोग हैं, पर सभी उसी शब्द में सब लोग हैं। तो आज अच्छा लग रहा है, अमिताभ जी के हाथ से स्वागत भी हो रहा है, सुरेश भाई द्वारा उनके गुरु जी के नाम से जो हमें सम्मान मिला है ये बेहद अमूल्य है। ऐसे बहुत कुछ मिलता है, मालिक की मेहरबानी, सबका प्यार है, और यहाँ के महाराष्ट्र की जो रसिक जनता है उनका भी प्यार सदा पाता हूँ। मैं बड़ी छोटी उम्र से नाच रहा हूँ, यहाँ रंग भवन और बिरला मातोश्री कहाँ कहाँ नाचा हूँ भैया। तो मैं बंगाल को माँ कहता हूँ, पिता कहता हूँ महाराष्ट्र को। हम लोगों के बीच हमें बिरजू महाराज बन गया, वैसे तो बिरजू भैया था, बिरजू बेटा था, और वैसे मैं पूरा नाम मेरा ब्रजमोहन है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, और मैं जब जन्म लिया तो सब लड़कियाँ हुई थी, मैं एक लड़का हुआ था, तो महल्ले वाले ने कहा यार ब्रज के मोहन है, बाकी तो गोपिकाएं हैं, एक तो मोहन है, तो ब्रजमोहन के बजाय बिरजू बेटा हो गया। और आप लोग का बड़ा प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से ईश्वर के लिए, परम्परा सुरेश भाई द्वारा और भी जो भी हमारे गुणीजन हैं वो चलाते रहे अपनी परंपरा को, कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे देश के नेताओं को संगीतकारों के भाषण सुनने चाहिए। आशीष जी मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ताकि हमें समझ में आए संक्षिप्त सचमुच संक्षिप्त ही होता है, क्योंकि सचमुच कलाकार तो अपनी भाषा में बोलता है। ओशो रजनीश ने एक बार कहा था कि हिटलर अगर जीवन में एक बार नृत्य कर लेते तो विश्व युद्ध नहीं होता। ये अपनी भाषा है, अपनी परिभाषा है, वरना संक्षिप्त लोग आजकल कहाँ बोलते हैं। कवि सम्मेलन में एक मुख्य अतिथि कोई 90 साल के थे, बच्चन साहब, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। उन्हें वहीं से लगा, कवि को गिरफ्तार किया गया, तो जज ने पूछा भाई इन्होंने क्या किया, बोले साहब ऐसा कर दिया, इतनी लंबी सुनाई कि एक बड़ा मौजूद आदमी चले गए, बोले इनको फांसी भिजवा दिया जाए, कभी अपनी अंतिम इच्छा बताओ, बोले सर वही कविता आपको सुनाना चाहिए। ये जीवन है और इसी जीवन में से तमाम चीजें निकलती है। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, सुरेश वाडकर जी की अजवाजन की अजवासन की तरफ से हम चाहते हैं हमारे अतिथियों को हम एक स्मृति चिन्ह और पुष्प दे के सम्मानित करें। सबसे पहले हमारे अभिनय के सर्वोच्च शिखर श्री बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब इस मंच पर उपस्थित हैं।
मैं अनुरोध करूंगा सुरेश जी इसी क्रम में जाकिर साहब को सम्मानित करें। नारियल शॉल भावनाओं का पुष्प राशिद खान साहब जैसा हो गया था लेकिन मैं फिर से पद पे वापस लौट आया बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी कहानी इससे उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्हें सुनने के लिए आप और मैं नहीं इस पूरी पीढ़ी में एक बेताबी है। एक पूरी पीढ़ी जवान हुई है उन्हें देख के उन्हें सुन के उन्हें पाके। इस सदी को एक बहुत बड़ा गुमान है। यकीन मानिए फिराक साहब कहते थे कि लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि जिन्होंने फिराक साहब को देखा है। अब मैं तो छोटा था बच्चा था मैं नहीं देख पाया लेकिन हम सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं अभिभूत हैं ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने अमिताभ बच्चन साहब को देखा है। और आज की शाम को अमिताभ बच्चन साहब बजरू महाराज गैलेक्सी ऐसी कहाँ मिलती है। एक संगीतकार एक मृदंग बजाया करता था जंगल में तो जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने पूछा क्या मेरा सुर तुझे बहुत अच्छा लगता है रोज यहाँ चला आता है। वो बकरी का बच्चा मैं बोला मैं नहीं जानता कि सुर क्या है ताल क्या है लय क्या है लेकिन इस मृदंग पे इस ढोलक पे चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया। जब इस पर थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। भीतर से पड़ी हुई थाप को दर्द को करुणा को अभिनय से जीवंत कर देना ये सिर्फ और सिर्फ श्री अमिताभ बच्चन कर सकते हैं और कोई नहीं। और आज इस कार्यक्रम वो नीला आसमां सो गया कहते हैं तो ऐसा लगता है किसी अंधे कुएं से किसी ऋषि की आवाज चली आ रही है। इस देश का प्रेमी जब अपने प्रेमिका को अपने प्रेम का सबूत देना चाहता है तो कहता है तुम यही हो यही हो यही। पंजाबी घमंड से
रास्ते में खुशावा शावा करते हैं तो सारा देश नृत्य करने लगता है। और इस देश में होली तब तक नहीं मनाई जा सकती जब तक वो आके न कहे रंग रस से भीगे दीपावली। एक शेर के साथ उन्हें इस माइक पे आमंत्रित कर सकता हूँ, इससे ज्यादा आपके लिए क्या कहूँ। मैं तो खुद बहुत पर्सनली बहुत उनसे, जिसे मैं कहूँ कि वह पिछले दिनों डॉक्टर साथी वोड़ा की किताब उन्होंने बहुत इस तरह से मतलब ये नए लोगों के लिए जस्ट आगे तरफ विमोचित की, और चूंकि स्वाति मेरी पत्नी उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया मैं वहाँ जाऊँ। और आपने जिस तरह से किया था, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आपके लिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि सुलगती धूप चांदनी सी होती है, तेरे साथ ये दुनिया नई सी होती है, गले में उसके खुदा की अजब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है इस लायक में हो नहीं, लेकिन अनेक धन्यवाद आपका। पिछले कई दिनों से मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ जहाँ पर शास्त्रीय संगीत को आदर सम्मान मिलता रहा है। आज एक और अवसर मिला है, उसके लिए मैं सुरेश वाडकर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे संस्कारों में है, सदियों से चली आई है, उस परंपरा को आप और उजागर करते हैं, जीवित रखते हैं, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी। जितने भी यहाँ महानुभाव मंच पर बैठे हुए हैं, राशिद भाई हैं, साकिर बिरजू महाराज, लोग जी, सबके साथ कहीं ना कहीं हमारा बहुत एक संबंध रहा है। राशिद जी के साथ, आदेश श्रीवास्तव के साथ कई एक गानों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, और वो शाम नहीं भूलती आज भी जब जाकिर भाई और बिरजू महाराज ने मेरी बेटी के ब्याह में आकर के हमारे घर को पवित्र किया था, वो एक जुगलबंदी मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप जी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत से लोग शायद नहीं जानते, शायद अनूप जी भी नहीं जानते हूँ कि इन्हें पहली बार मैंने एक छोटे से गांव में बांदा में, हमारे एक रिश्तेदार थे उनके छज्जे के ऊपर रात भर हमने इनको सुना था पहली बार, और तब इनको इतनी ख्याति नहीं थी, मशहूर तो थे ये लेकिन शायद इतनी ख्याति नहीं थी, लेकिन उस दिन से हमें मालूम था कि जिस स्तर पे आज वो हैं वो उनके लिए एकदम निश्चित था। मैं एक बार फिर सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपको अवसर मिलेगा जागर भाई और बिरजू महाराज जी के जुगलबंदी को देखने का, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि किसी और कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, इसलिए मैं माफी चाहूँगा, यहाँ नहीं उपस्थित रह पाऊँगा, लेकिन आज की शाम को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और सुरेश जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने महानुभावों के साथ मुझे केवल बैठने का अवसर दिया। धन्यवाद। श्री अमिताभ बच्चन अगर ये कहें कि मुझे अवसर दिया तो यकीन मानिए नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि विनम्रता की परिभाषाएं क्या होती है। बच्चन साहब आजकल हाल ये है कि जरा सा कतरा भी रंग ही उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। और आप जैसे कलाकारों के लिए और हमारी इस बढ़ती हुई दुनिया में मुस्कुराहट जो बढ़ रही है उसके लिए अगला शेर कहा है शायर ने, वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी रंग ही उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तो वो है हमारे साथ सबके बीच है, आज हम उस जुगलबंदी को यहाँ देखने वाले हैं, राशिद साहब को सुनने वाले हैं, लेकिन मैं उसके पहले आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि हम तो चाहते थे बच्चन साहब और बोलते रहे, काफी देर बोलते रहे, आप जितना भी बोले हमारे लिए तो कम है क्योंकि वो जिस तरह से इतना खूबसूरत बोलते हैं सुन के ऐसा लगता है कि बस ये महफिल यूं ही तू चलते रहे। हम लोग जिसके किसी ने बहुत कहा कि मैं चाहता हूँ कि महफिल में तू ही तू बोले, मैं चाहता हूँ कि महफिल में तू ही तू बोले, लुत्फ आता है जिस तरह से तू हिंदी बोले उर्दू बोले, बोलने पर तो सभी को है महारत, लेकिन
तेरी आवाज में बंगाल का जादू बोले, तो वो जादूगर हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपना समय दिया इस कार्यक्रम में पधारे। हम इस कार्यक्रम के अगले दौर के बड़ेगाम जाकिर साहब को भी सुनेंगे और इस कार्यक्रम के अगले दौर में शायद के साथ जाकिर साहब बोलते हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन जी जी मैं चाहूंगा हम इस मंच पे एक ग्रुप फोटो यहाँ पे इस कार्यक्रम में करेंगे जो हमारे सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके लिए चाहूंगा श्री आशीष शेडाल हमारे मित्र हैं वो इस मंच पे बताएं, योगेश लकानी इस मंच पे बताएं, ताकि हम एक समूह चित्र यहाँ खिंचवा सकें इस कार्यक्रम की स्मृतियों के। बाहर निकल रहे चलो चलो चलो।